तेज दर्शबंधु जनसंख्या चिंता ए प्रसंग आम रखिचु आज आलोचना स्वागत करुछी तपन। प्रतिवर्ष जुलाई 11 तारीख में विश्व जनसंख्या दिवस पालित कराउछि। मां आज दिन में ही विश्व जनसंख्या दिवस आम पालुछे। बढ़ुवा जनसंख्या को दृष्टि रखि जातिसंघर अनुमोदन क्रमे 1999 मसीह आरंभ हो विश्व जनसंख्या दिवस। जनसंख्या संपर्कित विभिन्न संवेदनशील विषय जथा परिवार नियोजन, लिंगगत समस्या, दारिद्र्य, मातृ स्वास्थ्य, मानविक अधिकार भली विषय उपरे जनसचेतनता सृष्टि करिबा यहार मूल लक्ष्य रही। प्रति 14 मासरे विश्वर जनसंख्या प्राय 10 कोटी बढ़ी जाउछि। संप्रति विश्वर जनसंख्या 800 कोटी रु अधिक रही। भारत में बढ़ुवा जनसंख्या चिंतार कारण पलटि जाइछि। यदि क्रमगत भाव में देश में जनसंख्या बढ़ी चले तबे भारत दुनिया में सबुठारु अधिक जनसंख्या थिबा देश हेबार संभावना भी देखादेलाणी। विश्व सबुठारु अधिक जनसंख्या विशिष्ट देश वर्तमान स्थिति रे हेउछि चीन। तबे जनसंख्या नियंत्रण पई चीन पक्षरु व्यापक व्यवस्था ग्रहण करा जायथिला। जनसंख्या वृद्धि हेले देशर अर्थनीति उपरे एहार खराब प्रभाव पड़िथाय। खाद्य हेउ बा रहिबा पई बासस्थान हेउ अबा स्वास्थ्य सबुथिरे समस्या देखा देथाय। सरकार मध्य जेतेबेले एते जनसंख्या को किभली भावरे कंट्रोल करिबे ताकु नै कि मध्य सरकार मध्य अनेक समस्यार सम्मुखीन होइथांते। भारतर जनसंख्या अधिक थिबारु टीकाकरण रे मध्य समस्या किभली उपजुचि ताहा हेउछि सबुठारु बड़ उदाहरण। अन्य देश मानक जदि आमे देखिबा जनसंख्या कम थिबा सत्वे सेमाने किभली भावरे जनसंख्या को एबेठारु नियंत्रण करिबा प्रक्रिया आरंभ कलेनि। आज विश्व जनसंख्या दिवस अवसर रे जनसंख्या नियंत्रण पई उत्तर प्रदेश सरकार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नि जनसंख्या नियंत्रण विधायक ड्राफ्ट प्रस्तुत एवं दुई रु अधिक संतान थिले अभिभावकों को सरकारी चाकरी मिली सीधा सलख एटी घोषणा कर दि जाए। आज कार्यकारी होगा तमाम घटना को नहीं आज आलोचना जनसंख्या चिंता। तेबे जनसंख्या चिंता वर्तमान पूरा विश्वर चिंता बढ़ी जाइछि। जेभली भावरे जनसंख्यार विस्फोरण लगातार भावरे हेउछि प्रत्येक वर्ष प्रति 14 मासरे जनसंख्या जेतिकी मात्रारे वृद्धि घटुछि ताहा विश्वपाई मध्य चिंता भली परिस्थिति वर्तमान सृष्टि करुछि। ए संपर्क में आलोचना करिबा आम सहित अच्छा डॉक्टर सुस्मिता दास आम सहित अच्छा। मैडम आपको स्वागत करुछि। आम सहित अच्छा सोशल एक्टिविस्ट लिंकन सुबुधि मैडम आम से जोड़ी हो जाती। लिंकन मैडम आपन स्वागत करुच्ची जी ओडिशा को। तेबे जनसंख्या एवं जनसंख्यार विस्फोरण कथा तो समस्ते जानते, जनसंख्या किभली वृद्धि पाउछि से संपर्क में समस्ते जानते। आम सहित तो आउ जन अतिथि जोड़ी हो जाती फोनलाइन मध्यम अर्थनीति अध्यापक तपन बारिक आम सहित जोड़ी हो जाती। सर आपको स्वागत करुच्ची जी ओडिशा को। तबे लिंकन मैडम आपन ठार वर्तमान आलोचना आरंभ करी जनसंख्या वृद्धि ए जनसंख्या वृद्धि कहीं अनेक तथ्य विभिन्न संस्था द्वारा प्रदर्शन करा विभिन्न संस्था निजर जदि आम देखा ताको किभली स्टडीज करुछन्ते जनसंख्या किभली भाव वृद्धि पाउछि ताकु नेके आलोचना एवं पर्यालोचना करिया परे निजर एक डाटा सीट सबुबेले किछि ना किछि समय रे बा किछि ना किछि व्यवधान मध्य रे सेमारे प्रदर्शन समस्त सामना को आनी थांती। जनसंख्या वृद्धि हेबार सबुठारु मूल कारण कौन या ही जानिले आमे जनसंख्या किभली रोका जाय पारिबो कौन परवर्ती समय रे आहाकु पदक्षेप नेले जनसंख्या को रोकिबा पई कि कौन एक्टिविटीज माने कौन कौन पदक्षेप नेउछंती तापर मध्य आलोचना करिबा। किंतु ता पूर्वर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जानिबा जे जनसंख्या वृद्धि रो मूल कारण कौन काहे कि जनसंख्या एते मात्रा रे वृद्धि घटुछि विशेष करी कि 1960 परठारु। आलोचन विभिन्न सेक्टर रु एक्सपर्टिज तो डेफिनेटली सेक्टर गुड़ी को बहुत मात्रा रे तर कारण जे जहाँ जोगे आम भारत वर्तमान पॉपुलेशन वृद्धि देखुचे एक तर नेचर तर एनवायरमेंट जो भले कंडीशन गोटे दृष्टि बहुत भल अच्छी ह्यूमन बसवास लाइवलीहुड एटलिस्ट सर्वाइव बहुत भल एनवायरमेंट अच्छी। द्वितीय कथा आम हॉस्पिटल मेडिकेशन फैसिलिटी बेटर अच्छी जोगे मोर्टिलिटी जो यूथ मान कम था मोस्ट ऑफ द टाइम
एक्सीडेंट्स जो के यूथ रे घटी था कि अन्य किसी बहुत कम परसेंटेज अच्छी जोटा की रोग जो के जनित मोर्टिलिटी होची यूथ रे चाहिए पॉपुलेशन रो सबुटो मेजर भाग वर्तमान कौन अच्छा जेहेतु वर्तमान भारत रो मेजर पोर्शन ऑफ दी पॉपुलेशन आर यूथ जेहेतु पॉपुलेशन मात्रा टा अधिक अच्छी ता पॉपुलेशन टा ए समय रे वृद्धि हबो कहीं से जो कंसीविंग पावर जो वर्तमान रिप्रोडक्शन पावर टा यूथ पाखरे वर्तमान से पॉपुलेशन अच्छी कंट्री है ठीक कथा गोटे जो आम कहे रूरल एरिया रे एथिपाई कहीं माइग्रेशन बहुत बढ़ुची तेणु रूरल रु अर्बन को सब आसुचंती तेणु अर्बन रे डेफिनेटली पॉपुलेशन काउंट अप था किंतु देखिवा को आज का डेट रे वेल एजुकेटेड आज का डेट रे यूथ एजुकेटेड एंड अवेयर अछंती तापर इकोनॉमिक फैक्टर जोटा की कंट्रीब्यूटची बर्थ परसेंटेज ऊपर सेटा इकोनॉमिक कंडीशन जे कोनोसी भी परिवार आज का डेट रे जो रेट जो वर्तमान परसेंटेज महंगा जो भली व्यस्तता व्यस्तबहुल जीवन से जीवन लाइफस्टाइल भितरे वर्तमान न्यू जनरेशन तो गोटे छुआ पई से माने टारगेट करुछंती दुईटा छुआ भी माने से माने मैनेज करिया पई परिवार चलाइबा पई से माने भाबुछंती कोटा को करिबा बल मणिस पे गड़िबा बल जगह रे पाठ पढ़ाई पारिबा वेल टू डू आमे कर परिबा सेते बेले पारिवारिक जेहेतु नीचे को हमकु सेक्स रेशियो को भी बैलेंस करके चलिया पड़े प्लस बहुत जन वो गोटे झियो होय गोलिया चिंतार्थ थाए तो ए जिनसटा बहुत ओपन छाड़ दे चंदी सरकार जहाँ जो के बढ़ी जाओ चीज इतिहास रे हमें देखे भी बाहर ना जहाँ जो के तबे आमे सबुठारु वर्तमान आमे लिंकन मैडम गोटे कथाटे कहि परबा जदि यूथ मानकु एबे ठारु आमे सचेतन करबा तबे सेमानकर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जेहेतु अधिक रहुचि तदि सेइ माने हि सचेतन रहिबे आपण जेबले कहतले जे अधिकांश क्षेत्र रे वर्तमान बि देखबा को मिलुचि जे समस्ते गोटिए संतान को हि प्रिफर करुचंती जदि से गोटिए संतान को हि जदि आमे प्रिफर करबा हुए तो आमर देश रे जनसंख्या रो जे विस्फोट हेउचि से विस्फोट को आमे कमाई दे परबा एवं यहार प्रभाव आमर सोशल उपर पड़ अर्थनीति पड़ पिलांकर स्टडीज उपर पड़ सब क्षेत्र में यार प्रभाव पड़ किंतु ए विषय केवि ध्यान देना ताही सब चिंताजनक विषय आग को कौन रही से संपर्क में आलोचना करवा आम सहित वर्तमान मैडम रही डॉक्टर सुस्मिता दास आम सहित रही डॉक्टर सुस्मिता जदि आम देखा जे डॉक्टर लिंकन सुबुद्धि मैडम जहाँ कहते जो भाव में यूथ को भितर वर्तमान गोटे जिनस रही ही सब मेन फैक्टर एवं ता जे जेतिके जनसंख्या रहुची ता भितरु मेजोरिटी होउछंती यूथ एवं सेई मानन को पाखरे ही रिप्रोडक्शन कैपेसिटी रहिची एवं सेई माने ही अधिक पिला बा से माने वंश विस्तार करिवारे निजर रहिची तांकर भूमिका निभाउछंती आ कि एभली क्षेत्र रे आमे यूथ मानन को किभली सचेतन करिबा कारण यूथ मानन को सचेतन करिबा एठी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण रहिची जदि आमे जनसंख्या को कंट्रोल करबा को चाहुचे आज्ञा आज जनसंख्या दिवस रे समस्त को मोर शुभेच्छा एवं समस्त गोटे निश्चय रहिबो कहिबाकु जे आमे समस्ते जदि मिलीमिशी चेष्टा न करे सरकार को ऊपर खाली छाड़ी देबा ताहले हबनी समस्त को ए विषय भाबिबार एबे समय आसी जाइछि जेमति आमे समस्ते जानिछु भारत आमर विश्व रे दुई नंबर रे अछि एवं एक नंबर हबाकु जाउछि ऑलमोस्ट आउ लिंकन मैडम जो कहुथिले आम यूथ मान को बतेबा सेटा बहुत जरूरी निहाती जरूरी मो मतरे ओवर पॉपुलेशन हेबार दुईटी कारण गोटे हला इलिटरेसी आ गोटे हला अवेयरनेस नाही ए दुईटा जिनस बेसी निश्चय तो मीडियन आमर एबे मीडियन एज ग्रुप जोटा अछंती बेसी सेटा होची 28.4 तो सही एज ग्रुप रोक जोटा कि यूथ आम कह फर्टिलिटी एज ग्रुप अच्छा से माने एबे आम भारत एज से एज ग्रुप रोक बेसी परिमाण अच्छा तो अवेयरनेस निहाती जरूरी से माने जदि बुझिबे तो निश्चय तापर जाए आम या कंट्रोल करी परिबा
आउ जेमती कि आमर बहुत गुड़ाए कंट्रोल मेजर्स द्वारा आमे डेथ रेट टाको भलो भाबरे कमेई देछि एवं आमे बर्थ रेट भी कमेई छि किंतु डेथ रेट तुलना रे बर्थ रेट सेते मात्रा रे कमेई पारिनि सेति पई एबे मध्य पॉपुलेशन आमर बढी चलि छि जोटा के आमर पॉपुलेशन एबे भी ए पर्यंत पुटी लेवल रे भी नाही माने ऊपर को इंक्रीजिंग ट्रेंड रे रही छि आउ गोटे कथा मु कहिबी आम इंडिया रे 35% लोक अर्बन एरिया रे रहंती तो ताहेले भाभी देखंतु 65% लोक जदि आमर रूरल रे रहिले एवं मीडियन एज जोटा कहूची मु आमर फर्टिलिटी पीरियड 28 एज ग्रुप रे अछंती ताहेले निश्चय ताको भीतर अवेयरनेस नाही आमे खाली अर्बन पॉपुलेशन अवेयर जदि हबा ताहेले बोधे आमे पॉपुलेशन कंट्रोल करबा को आहुरी 50 वर्ष लागिवो आज्ञा निश्चय भाबरे किंतु रूरल रूरल एरिया जो थ्री जो जागा रे की आमर बेसी लोक अछंती इंडिया रे बेसी यूथ रहउछंती सेमानन को पाखरे जोटी फर्टिलिटी रेट अधिक रहउची ता फर्टिलिटी कैपेसिटी जा पाखरे अधिक रहउची आज्ञा तांकु जदी आमे सचेतन करि परिबा तांको पाखरे जदी अवेयरनेस पहुंचि परिबो तबे निश्चित भाबरे आमे जनसंख्या को टिकिए कंट्रोल करि परिबा आमो सहित फोन लाइन रे तपन बारिक मध्य रहइछंती अर्थनीति अध्यापक आमो सहित अछंती तपन बाबू एठी गोटे कथा आपन ठ जानिया पय चाहेबो जे रेट रे आमर जनसंख्या बढुची जदी आमे देखिबा 1950 पर ठारु एवं 1960 परे 1950 भितर 1960 भितर जनसंख्या टिके नियंत्रण हिसाब रे बढ़ुला मात्र 1960 पर ठारु जनसंख्या अनियंत्रित भाव में आम बढ़ुची कही पारिबा कारण जेहुली भाव जनसंख्या बढ़ुची 1960 पर ठारु ताहा एमिती चिंता बढ़ाउची एवं देशर स्थिति वर्तमान एते हेलानी जे पाखापाखि 139 कोटी रु अधिक लोक वर्तमान आम देश उपस्थित अच्छा 139 कोटी लोक भारत भाई गोटे छोटिया जगार आम कि भाव में एत लोक रोचे सब बड़ प्रश्न एवं आउ गोटे कथा हे प्रश्न भितर आउ एक प्रश्न समाहित रही यार प्रभाव अर्थनीति कौन पड़ू एवं अर्थनीति यार प्रभाव कौन ए कोरोना महामारी समय आम कि भाव में टीकाकरण जो प्रभावटा रही देखीदे ये जमापड़ी आपण मत कौन अर्थनीति बढ़ुवा जनसंख्यार प्रभाव आप देखुं नमस्कार अन्य पैनलिस्ट मान को जी टीवी रो दर्शक मान को समस्त को नमस्कार आगे आउ अपन माने जानि थेवे जे पृथ्वी रे सर्वप्रथम देश बाबरे 1952 मुसे रे हम भारत वर्ष फैमिली प्लानिंग योजना आरंभ करतला आउ तापरे मैडम जा कहतले हम जनसंख्या वृद्धि रो हम जतेले तार फलाफल को जाने को चाहेबा तार कारण भी जाने को चाहेबा विशेष भाव रे जनसंख्या वृद्धि दीटा कारण गोटे सामाजिक कारण गोटे अर्थनैतिक कारण सामाजिक कारण भीतर रहला आपण लोकन तो इनवर्सियल एंड आर्ली मेरे सहल बा सामग्रिक भाव रे बा हेबा तापर जॉइंट फैमिली सिस्टम एवं विशेष भाव रे प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड ओवर फीमेल चाइल्ड एटा ला किसी सामाजिक कारण एवं अर्थनैतिक कारण भीतर रहिछि विशेष करी पॉवर्टी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट गोटे कारण एवं डिपेंडेंसी ऑफ वुमेन ऑन द फैमिली मेंबर सेटा गोटे बड़ कारण एवं आम जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कराइला ता सामग्रिक भाव में फेल हो गला बोली आम अनुभव करिबा जाने किसी जदि तथ्य को जीवा जो 1991 पर्यंत आम जनसंख्यार वृद्धि आरो आपण जा कहतले 1950 60 दशक रु परवर्ती समय 1991 मसीहा पर्यंत आम जन्म हार थिला 2. पाखापाखी किंतु गत सेंसस 2011 सेंसस 2021 सेंसस तो आरंभ हो पारे कोरोना एटी आम जनसंख्या लास्ट सेंसस 1.54% अर्थात जनसंख्यार वृद्धि हार अति अल्प मात्र कमी किंतु पृथ्वीर पाखापाखि 17% 17% लोक आम जगह जोग्राफिकल एरिया 2.4% किंतु जनसंख्या है 17% प्लस 18% पाखापाखि अर्थात प्रत्येक छह जन भितर जन पृथ्वीर छह जन मान भितर जन है भारतीय तेज जनसंख्या जो बढ़ुची एवं निश्चित भाव यार प्रभाव तो आम अंगे अंगे अनुभव कर प्रभाव अर्थनीति ऊपर कौन पड़ुची हाँ मुझे से पॉइंट को जाऊँ विशेष कर जो जनसंख्या बढ़ुची प्रथम कथा है आम खाद्यभाव द्वितीय कथा है बेसिक नीड स्कूल कॉलेज कंप्यूटर रोड रास्ता कम्युनिकेशन एटा डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ी जीवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होला जे आम अनएम्प्लॉयमेंट बा बेकारी समस्या बढ़ी हो एवं विशेष करी अनदर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज माइग्रेशन जे ग्रामांचल लोक माने शहरांचल को माइग्रेशन बा स्थानांतरण आ जे सो
ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ, ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିବ, ଜାତୀୟ ଆୟ ବଢୁ ନାହିଁ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ତ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଆସୁଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିଯାଉଛି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢୁଛି, ସ୍କୁଲର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବଢୁଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବଢୁଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ଆମେ ସେତିକି ବିକଶିତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ରିସୋର୍ସର ଅଭାବ ହଉଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବଢିଯିବ, ଆପଣ ଅଦର ସେକ୍ଟର ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ରାଇମ ବଢିବ, ଟେରୋରିଜମ ବଢିବ, ମାଓବାଦୀ ବଢିବ, ଏ ଲୁଟ, ତେବେ ତମାମ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ, ଆମ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହିଛି ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା, ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, ଏବଂ ଆମ ଭାରତର ଚିନ୍ତା ଯେତିକି ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 139 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତରେ ରହିଛି, ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ବଢ଼ୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାହା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛିଟା ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ମାତ୍ରାଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଟିକିଏ ପଲିଟିକାଲ ଆଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବା ଆଧିଏରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିଧେୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ନୀତି ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ, ଏବଂ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖିକି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିକି ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ତାକୁ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ? ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ଅନର୍ ମୁଁ ଏଟା କହିବି, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମର ଧନ୍ୟ ଦେବାର କ'ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା କି କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସେ ଆମର ଅଧିକାର ବି ନାହିଁ, ଆମ ଅଧିକାର ପରିବେଶର ବାହାର ବା ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାହାର, ତ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ବା ତାର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିସି ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପଲିସି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଇ ହାଭ୍ ଏଭ୍ରି ରିଜନ୍ ଟୁ ଡାଉଟ୍ ହ୍ୱେଦର ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ଅଫ୍ ଦି ଲ। ଆମେ ଯଦି ଲ ରେ ଦେଖିବା, ମତେ ଲାଗୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଇନ ଟିକେ ଆଣୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଛି, ଯଦି ଆଇନ ପରିଣତ ହୁଏ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ କୋର୍ଟକୁ ଟଣା ହବ, ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାଟ ଖାଇଯିବ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଗୋଟାଏ ଉଥଲ ପୁଥଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ଏଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କହୁଛି, ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ସିଧା ସଳଖ କହିଥିଲେ ପପୁଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଭଲୁଣ୍ଟାରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ନର୍ମ ଇଜ୍ ଭଲୁଣ୍ଟାରୀ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଫୋର୍ସ ଏନି ୱାନ୍ ଯେ ନଟ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଟୁ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଆଉଟଲୁକ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯୋଉଟାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରଖିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହଁ, ଯଦି ପପୁଲେସନ, ଯଦି ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ, ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅତୀତରେ ଆମେ ବିସ୍ଫୋରଣ କହୁଥିଲେ, ପୁଣି ସେ ଶବ୍ଦରୁ ବାହାରିକିରି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ପପୁଲେସନ ଗୋଟେ ସମୟରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସମୟକୁ ସମୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଦଳୁଛି, ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଦଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ 80 ଦଶକରେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ 80 ଦଶକରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ଏତେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ଯୋଉଟା ପଲିସି ମେକର୍ସ ଲ ମେକର୍ସଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ କୁହାଗଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଭ୍ରି କପଲ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, ଦୁଇଟା ପିଲା ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ସେତେବେଳେ କଏନ କରାଗଲା, ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ। ସେ ସ୍ଲୋଗାନଟା ସହର କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିପଟ ମଫସଲ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଲା, ଦୁଇଟି ଛବି କରାଗଲା, ବାପ ମା ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ, ଆମେ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ। ସେ ଯେ ସ୍ଲୋଗାନଟା ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପପୁଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେଜର୍ସକୁ ଇଏ କଲେ, ତାପରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମେଜର୍ସ କରାଯାଇ ପାରେ ସେମାନେ ସବୁ କେମିତି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ନ ହବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଏବଂ ତାର ଦୁଇଟି ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, ଆପଣ ଦୁଇଟି ପିଲା ହେଲେ ବାପା ମା କିଭଳି ଅଧିକ କେୟାର ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ଲାଳନ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ, ସେ ନେଇକି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରାଗଲା, ଏବଂ ଇଟ୍ ୱାର୍କ ଓନର୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କଲା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ଦୁଇଟା ପିଲା ରହିଥିଲେ, ଇଭେନ୍ ଅନେକ ଲୋକ ବି ଗୋଟିଏ ଚାଇଲ୍ଡ ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପପୁଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ମେଜର୍ସରେ। ତ
वर्तमान ए जो पॉलिसीटा आसुचे सेटा योगी सरकारकर सेटा तांकर प्रेरोगेटिव से भाबिबे सरकार भाबिबे केतबेले को आइनटा ठीक रहिब सुप्रीम कोर्ट ताको वैलिड बोली कहबे केतबेले इनवैलिड बोली कहबे किंतु जेतबेले हमर जत हमर हम ए जो नीति एबेले केतला नीति आसे जा बाहर जा सरकार नीति अछि वर्तमान नीति जा अछि सरकारकर कोर्ट रे जो बयान दैछन ताको जदि कि आपन से आइनरा पके कि देखिबे लागू नाही जे ए जो सरकार जो भले 90 आणुचंती सेटा रहिबो बोली आम ओडिसा रे अधिकार देखि बेसी दिन रहिबो एवं तहार सुफल मध्ये अधिक दिन आमे पाई परिबा एवं तहार इफेक्ट जनसंख्या उपरे पडिबो से भली मध्ये आमको मध्ये प्रतीत हेउ नाही निश्चित भाबरे दर्शक बंधु आलोचना आगो को बढाइबा जनसंख्या नियंत्रण उपरे आमे आज आलोचना करूचे कारण आज हेउची विश्व पॉपुलेशन दिवस एवं एही अवसर रे आमे आज आलोचना आगो को बढाइबा किंतु वर्तमान समय होईची आलोचना रे एको छोटो कमर्शियल ब्रेक रो ब्रेक परे मध्ये आमर ए आलोचना जारी रहिबो ब्रेक परे आमरे स्वतंत्र आलोचना को पुणि थरे स्वागत तेब दर्शक बंधु जहाँ आम आलोचना करुचे एवं आम सहित अतिथि माने उपस्थित रही आलोचना को पुणि फेरिबा आम सहित डाक्टर सुस्मिता दास लिंकन सुबोधी सोशल एक्टिविस्ट अक्षय साह वरिष्ठ सांबादिक एवं तपन बारिक अर्थनीति अध्यापक आम सहित लगातार रही डाक्टर सुस्मिता दास आपण पाखु वर्तमान आसिया चाहिए जहाँ पूर्वर आपण मन थी एवं आमे समस्ते से परिस्थिति बा से समय रे देके आसीचे जे एक ग्रीन कार्ड रहुतला एवं एक रेड कार्ड रहुतला ग्रीन कार्ड से मानको दिया जाउतला जे मानकर दुईटी संतान रहुतले एवं से माने परिवार नियोजन को अपनाउतले एवं रेड कार्ड से मानको दिया जाउतला जे मानकर गोटिया संतान थिले एवं से माने परिवार नियोजन को अपनाउतले से मेल हुंतु बा फीमेल हुंतु जे भी परिवार नियोजन को अपनाउतले एवं से मानको एही गोटे शिशु के रेड कार्ड एवं दुईट शिशु के ग्रीन कार्ड दिया जाउथला से सुविधा वर्तमान कहीं आ देखुना देखा मिलूना से ग्रीन कार्ड एवं रेड कार्ड रो जो सुविधा भी दि जाऊला सरकारी स्तर रे से सुविधा वर्तमान धीरे धीरे कम हो गला तार फैसिलिटीज धीरे धीरे कम हो गला एभली कहीं हूँ यार कारण कौन ग्रीन कार्ड और रेड कार्ड निश्चय थी सरकार कौन सी कारण निश्चय भाव लागू करू ना कहीं लोकरे समस्त कहूना पॉपुलेशन कंट्रोल ऑपरेशन हूँ मन कर जन दीटा छुआ है से चाहला तार आ छुआ न हो बोली बाध्य कर ऑपरेशन ही हबार अच्छी आम पाख को पहुंचुचे गोटे प्लाटर से गर्भ निरोधक टेबलेट खाई कपटी रही पारे किंबा अन्य कोनसी आमर आजिकाली इंजेक्शन आसिलानी तीन मास रे गोटे ताकु भी नहीं पारे किंबा अन्य पद्धति कंडम भी से यूज करी पारे तो एही सब जो हमें प्लाटर ता पाखरे पहुंचेलु जो विभिन्न मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन ता मध्यरु से कोनसी गोटे चूज करिवो एवं ताकु बाध्यता मूलक भाबरे ऑपरेशन करिवार कोनसी कारण नाही से जहां चूज करी पारे ऑपरेशन चूज करी पारे किंबा से अन्य कपट्टी मध्य करी पारे तो जेते बेले ए जो प्लाटर टा आमे पहुंचाई देलु समस्तंक पाखरे रूरल रो आरंभ करी अर्बन पर्यंत समस्तंक पाखरे आशा कर्मी माने अंगनवाड़ी वर्कर आमर दीदी माने समस्तंक भल भाबरे बुझैले अवेयरनेस क्रिएट हला ता परठरु जो दीटा जागारे समस्त ऑपरेशन हबा को बाध्य होतिले सेइ जिंस भाबिले नाही ता तापरे ता पई जो दिया जाउथला सरकारक पक्षरु कौनसी गुड़ा का सुविधा सब बेले सब जिन समस्त को देवा मधे पॉसिबल नुह आगे मुझे जन डॉक्टर नुह जन नागरिक हिसाब से निश्चय कहबि केवल सरकार दायित्व सब नुह सब नागरिक भी दायित्व निजर रही आमती आप कहले उत्तर प्रदेश में गोटे जो दे आमर नुआ रूल लागू कर आज हवाक जातु आमर आउ जने आछंती पैनल रे से मध्य आज्ञा कहिले ताकू से हेबा को देबे नाही निश्चय कोर्ट को जिबे और एही सब कारण पई आमर भारत वर्ष आज्ञाउ नाही आमे भलो जिंस को शीघ्र एक्सेप्ट करूनु तार आम पाखरे दूरदर्शितार अभाव निश्चय रहिछि इलिटरेसी हो किंबा अवेयरनेस अभाव रो हो आमे आगो को जाई पारु नाहु एवं सबु बेले सबु जिंस कोर्ट को जाई की तार कोन से जनसंख्या को आमे नियंत्रण करि पारु नाहि कोठी ना कोठी आम पाखरे सरकार जहां आमको भलो करबा को चाहौछती हां
हवाकु देउने बा सेथिरे कोनोसी ना कोठे असुविधा आमे देखि चालीचे निश्चित भाबरे। लिंकन मैडम बर्तन आपन पाखो आसिया पय चाहिबे अदे आमे देखु जे जो ग्रीन कार्ड कथा एवं रेड कार्ड कथा आमे आलोचना करूचे आकु अचानक जदे आमे देखिबा ए रेड कार्ड एवं ग्रीन कार्ड को वर्तमान गुरुत्व न दिया जिबा एवं तार प्रभाव जदे आमे देखिबा जनसंख्या उपर त निश्चित भाबरे पडुचि एभली काहे के करा जाउचि आपन चाहु नांती जे एभली एक परिस्थिति पूणी आरंभ करा जाउ सेभली अवेयरनेस लोकंकु पूणी करा जाउ एवं सरकार मध्य से दिगरे मध्य टिके ध्यान दियंतु जे लोक माने ग्रीन कार्ड एवं रेड कार्ड नियंतु एवं तारो फैसिलिटीज मध्य अवेल करंतु जा फल रे जनसंख्या टिके कंट्रोल करा जाय परंता। लिंकन मैडम देखन तो हमे निश्चित भाबर चाहिबा फर्स्ट कथा कहबा को चाहिबी जेति कि हमरा सांबादिक भाई अखे भाई हमरा कहिले जे कोन निर्दिष्ट दल जते बेला एटा करूची कोर्ट ताकु परमिशन दबो बिल ता पास हबो कि सेटा गुटे विभिन्न कथा काई किना जेमति कि कहले इलेक्शन आछि कि कोन कार्ड छुबी सके मैडम कहले बर्तन जे कार्ड आपण पचारे कार्ड कथा डेफिनेटली कोई जे कार्ड टे गुटे कोन थाए ना जेमती कि हमें गुटे फोन पे कि पेटीएम गुटे करू जे हमें हजार टका ट्रांसफर करू छी तो हमको केबे 25 टका केबे 5 टका कैशबैक सी लागे तो कोन हुए जते बेले हमें प्लानिंग ऊपर पॉपुलेशन डेमोग्राफी ऊपर फोकस करिबा आउ फैमिली प्लानिंग को प्रेशराइज करिबा जे फैमिली प्लानिंग के बेटर वे रे हो तार अवेयरनेस अधिक हो ए ग्रीन कार्ड रेड कार्ड सेटा गोटे मोटिवेशनल बोनस कार्ड केना से कार्ड किछि सुविधा हमें जते बेले दउचे ए जिंस होचे जदी सरकारी एही सुविधा टा रहउचे गोटे बहुत बडो बोध हुए कोनोसी कोनोसी जाति कि कोनोसी कपटिक इंगित करूनी किंतु एटा कहिबक चाहिबी एमती अनेक लोक अच्छा जो मैंने कि धर्म रुआई कि धर्म आड़े कम्युनलिज्म आड़े से माने फैमिली प्लानिंग को मानु ना मुझे ये कहूँ मो पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे नोएडा से जो बस्ती रे काम करे मु बहुत बड़ा सामना करिया पड़ी से माने अपोज कले फैमिली प्लानिंग बिल्कुल भी राजी हो नभिन्न सेशन बसे बहुत कष्ट जे सहस फैमिली को मो काउंसलिंग कला परे भी डॉक्टर आनी की काउंसलिंग करता हूं रेगुलर बट मात्र दुईटा तीनटा वर्ष को हमको सक्सेस मिले फैमिली प्लानिंग पे तो स्टेप एक को हमको टिके कंट्रोल को आनी पाई हमें केबे के देश रे अराजकता कर परिवानी कोनसी कम्युनिज्म रीजनलिज्म को लेके फाइट ता चाहिबानी केबे तो ए परिस्थिति रे हमें ए जो रेड कार्ड हेतौ ग्रीन कार्ड हेतौ ए माध्यम रे जेमती आपण देखबे फौजी रे कि रेलवे रे पास रे मात्र दुई छुआ अलाउड अछंती मो बाबा जने फौजी डिफेंस एक्स सर्विसमैन हम जानि छु जे फौजी रे आज्ञा निश्चित भाव निश्चित भाव लिंकन मैडम जहाँ कहते एबी केतेक जगार एमती भी स्थिति रही जोटी केवल माता पिता और तांकर दुईट सतान को ही वर्तमान सुधा भी अलाउ करा निश्चित भाव में बर्तमान अक्षय बाबू आप पुणि थे आसपा चाहिए जे जो भाव में बर्तमान आम जहाँ आलोचना करुचे तीन टी फैक्टर आम ये देखुचे जहाँ मुझे अनुभव करुच्चे तीन टी फैक्टर ही गुरुत्वपूर्ण फैक्टर रही आम देश में यही तीन टी क्षेत्र ही अधिक मात्रा आम देखुचे जे पपुलेसन ग्रोथ हो गोटे हो सबुठारु बड़ कथा हेउची जे अवेयरनेस रो अभाव एवं आउ गोटे फैक्टर हेउची जे गाँ गहली रे जे लोक मान रहउचंती इलिटरेसी बा लोक मान को पाखरे शिक्षा पहुंची पारि नाही बा अवेयरनेस रो अभाव सेटा त आउ गोटे फैक्टर ए दुईटी फैक्टर रहिला गोटे अवेयरनेस एवं आउ गोटे इलिटरेसी एवं आउ गोटे फैक्टर हेउची जदि आमे देखुचे जे सब अंचल रे एकाधिक विवाह करा जाउची एकाधिक विवाह प्रथा एवं केते शिशु जन्म हेबे ता धीरे नियंत्रण न रहिबा ए तीनटी फैक्टर ही हेउची सबुठारु अधिक मेजर इफेक्ट पकोउची आम जनसंख्यार वृद्धि उपरे आ उपरे आकु कंट्रोल करिबा पई कि सरकारी स्तर रे काहे कि कोनोसी पदक्षेप ग्रहण करा जाउ नाही से संपर्क रे आपनकर मत कोन सरकारी स्तर में अनेक गुड़े पदक्षेप निया जाए आपको अशी दशक गोटे सचेतनता भाव सृष्टि करा जाए एवं कौन कौन मेजर्स रही पॉपुलेशन कंट्रोल करने समस्त ए संपर्क मैंने अवगत अच्छा जमी लिंक कहते किसी निर्दिष्ट कम्युनिटी लोक यू मानवा को नाराज एवं भुवन आप ए पाखापाखी ओडिशा रे भी एमती ग्रामांचल अछि छोटे लोक माने भी मानु नांती एवं से कम्युनिटी लोक हम कहंती चलत ठीक बुझेबे सुनु नांती साधारण लोक सुनु नांती
तो ए नहीं गवर्नमेंट टे अधिक आलोचना करार आवश्यकता अच्छी अधिक पिला हेले जे सेमानों को आमे तांकु उपयुक्त शिक्षा दे पारबानि तांकर स्वास्थ्य सठिक जत्न नहीं पारबानि तबे यार सबुठारु बड़ उदाहरण हेउछि आम राज्य नगड़ा भली अंचल एवं जो सब अनुन्नत अंचल रही जोठी भी अधिक मात्रा शिशु मैंने जन्मग्रहण करुछन्ति अपपुष्टि शिकार होती तहार यह हूँ गोटे गोटे उदाहरण अक्षय बाबू नगड़ा सहित आम तुलना कर पारबानि कारण नगड़ा हो कि आपंकर लाजिया सोरा हो किंबा आपंकर टंगरिया कंध हो जदि से विषय आपण आदिवासी मानक संपर्क आलोचना करबे तांको विषय जनसंख्या सब सब विषय आलोचना करबे इटी रिक्वायर्स फर्दर स्टडीज ए विशेष रे कहबे कारण हम जो आदिवासी संप्रदाय माने अछंती से माने बर अधिक तादर अधिकांश वल्नरेबल माने कोन तांको विचार करा जाउची आपदग्रस्त बले कोन विचार करा जाउची सेही लोकन को आपदग्रस्त विचार करा जाय जाकर पॉपुलेशन स्टैग्नेंट थाय बा जाकर पॉपुलेशन डिक्लाइन ह्रास पाए आदिवासी क्षेत्र अलग अधिकांश पिला जन्म होना जनसंख्या कमुची से उद्वेग कारण इवेन इंडिया भी बर्तमान फर्टिलिटी रेट बहुत कम रही तेणुकर जी रहा कथ तेनालीराम गोटे उद्वेग विशेष रही आम किसी निर्दिष्ट कम्युनिटी आम देखुचे जे से धर्म कथा किसी ना जाति कथा किसी ना आप मानने कौन सी गोष्ठी कथा कि ना कथा होची सेमाने जो भली एक्सपोजर पाइबा कथा शिक्षा दीक्षा पाइबा कथा से भली सेमाने पाई पाउनाती कौन से प्रकार मॉडर्न शिक्षा को सेमाने एक्सेप्ट करूनाती मॉडर्न वे ऑफ लाइफ को सेमाने एक्सेप्ट करूनाती सामको बडा स्पेशल ड्राइव करा दरकार अधिक अधिक सेमाने कि भली पर शिक्षा व्यवस्था तबे अखेबो असुविधा टी केउठी रहउची असुविधा होची जे हमरो जो जन नेता माने अछंती जो पॉलिसी मेकर्स माने अछंती जहां सरकारी सुविधा सरकार अनेक गुडी जो माने पॉपुलेशन कंट्रोल सहायता करछन्ते समान पर अनेक गुडी सुविधा अछि जे सुविधा गुडा को समान को उपलब्ध करबार आवश्यकता अछि मु एही पृष्ठभूमि रे कहू छी देखंतो हमर अनेक अपन जो ग्रीन कार्ड रेड कार्ड कथा कहूतले सरकार हमर ग्रीन कार्ड पाई ग्रीन कार्ड धारी मान पाई अनेक सुविधा करछन्ते किंतु अपन मास्टर कैंटीन छकर देखियो प्रति वर्ष ग्रीन कार्ड धारी माने ताकर सुविधा सुजोग पाइना दी विशाल रैली करथिबे 10000 15000 ग्रीन कार्ड धारी माने आसीकरी रैली करथिबे तो आमे जते बेले व्हेन वी डोंट वॉक आवर टॉक आमे जहाँ प्रतिशत दे छु ताको पालन करनु तो तनकर लोक मन को सेति प्रति आपनकर विश्वास आपनकर संस्था प्रति विश्वास आसिबोने व्यवस्था प्रति विश्वास आसिबोने तो आमर जहाँ व्यवस्था अछि से व्यवस्था को आमे किबळे कार्यान्वयन करबा ताको रूपांतरित करबा एटा सबुटो आमर बड काम्य हबा दरकार ध्येय हबा दरकार आ पॉपुलेशन कंट्रोल करिया कहले सबुटो गोटिए बड वर्ग होछि आमको से जो कम्युनिटी आमे देखु छ अधिकांश ए पॉपुलेशन कंट्रोल करू नाहति समान को अधिक शिक्षित करबार आवश्यकता अछि शिक्षा व्यवस्था प्रमाणे अछि एवं बुझेबार अछि जे जदि दुईटी संतान होंति आपन कोन आपन पिलांकर किबळि जत्न नै परिबे आपन किबळि तां स्वास्थ्यवान नै परिबे एक ता बुझेबार अछि आ जदि जबरदस्ती आमे पॉपुलेशन कंट्रोल करबा ना तार गोटे सबटु ग्रेटेस्ट डिमेरिट होउछि आपनकर माने भ्रूण हत्यार पॉसिबिलिटी बहुत अधिक एटा मु कहुनी पार्लियामेंट डिबेट हे सारिछि लोक मैंने चुजी है से सब पुआ छुआ चाहिए झील छुआ चाहिए जेन्ट आप प्रथम रही जो पीटी साइड टे हम से गोटे बड़ मानने ये तो सब बड़ मार्ग हूँ जो लोक शिक्षित करार अच्छे सचेतनता करार अच्छे व्यापक भाव में ट्रु सेन्स एयरनेसली बड़ दायित्व रोचे जो मैंने जननेता मैंने अच्छा से गाँव को जवा दरकार बस्ती की जवा दरकार बुझे दरकार कारण पीपुल लुक आर देम विश्वास करती लोक एक प्रकार अवेयरनेस क्रिएट करार आवश्यकता रही आज्ञा लोक मानक अवेयरनेस करि पारिले ही आमे ही संख्या टिकु बा जनसंख्या जा बढ़ुची ताकु आमे कंट्रोल करि पारिबा निश्चित भाव आम सहित तपन बारिक बाबू मध्य बहुत समय रही चंती तपन बाबू बर्तमान आपन पाखु आसिया पई चाहिबी जेतेबेले जनसंख्या बढ़ुची से ही अनुसार लोक मानक आवश्यकता भी बढ़ुची आपन मध्य कहुतले किंतु जनसंख्या बढ़िबा अनुसार अर्थनीति मध्य बढ़ुना आमे देखिबा जनसंख्या जे भली बढ़ुची अर्थनीति किंतु से भली बढ़ुना अर्थनीतिर ग्रोथ रही किंतु ताहा धीमा रही सेतिकी अर्थनीति को लेकिन जनसंख्या जेतेबेले विपुल परिमाण में बढ़ी चली ताकु मैनेज करिबा सम परिमाण रे समस्तक भितरे आवश्यकता को बंटन करिबा ए नेकी समस्त तमाम समस्या देखा देथाय ए समस्या भितरे सबुठारु बड़ समस्या कोन अर्थनीति को यदि कंट्रोल करिबा को चाहुचे तबे कोन निहाते ही कोन आवश्यक जे आमे पॉपुलेशन को कंट्रोल करिबा सर देखंतु आपण आमो आलोचना रे आपण माने ग्रीन कार्ड कथा कहतले मो चाइनीज कम्युनिस्ट चाइना कथा कहि जनसंख्या नियंत्रण फोर्सफुल कम्युनिस्ट मान सब फोर्सफुल कंट्रोल करदे कि भारत में देखी इमरजेन्सी समय संजय गांधी जो
कार्यक्रम प्रति किपर भाव में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा आम ये डेमोक्रेटिक लोक मान बुझेगी पड़ा तेरे पर्व आम जब आलोचना करवा आप जो इकोनॉमिक ग्रोथ कथा कहते आम गोटे थ्योरी अच्छी जदि जनसंख्या 2% बढ़ुची हाराहारी इकोनॉमिक ग्रोथ तार चारिगुणा अर्थ 8% मिनिमम हवा कथा सही मात्रा तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो ना 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 आमर ग्रोथ रेट आप देखते 1990 पर्यंत पाखापाखि 3.5% था परवर्ती पोस्ट ग्लोबलाइजेशन समय किसी बढ़ला एवं तो पुणे नेगेटिव चलती -2 -23% लास्ट क्वार्टर -7.1% जो ग्रोथ रेट जीव आप लोक मान आर्थिक अवस्था हम मेरुदंड भांग से समस्या हम ही हम तेरे सबुथ बड़ कथा मुझे इंपोर्टाट कथा कहूँ आम विजु पट्टनायक विजु पट्टनायक जो आम मुख्यमंत्री थे से सब बढ़िया कार्यक्रम करते जो जो मान जो मान प्रतिनिधि है मान पंचायत स्तर कि त्रिस्तर पंचायत से मानकर कम से कम दुटार जो बेसी छुआ थे से प्रतियोगिता करेंगे ना प्रतिद्वंदिता करेंगे ना कि मोर प्रश्न हूँ जदि तुम्हें यहाँ त्रिस्तर पंचायत स्तर में कल कहीं व्हाय यू दि पॉलिटिशियन आर सो हिपोक्रेटिक आपण मैंने कहीं विधानसभा एवं लोकसभा करूना लोकसभा भी एमती सदस्य अच्छा आम अनेक समय चर्चा होता विगत वर्ष लालू यादव चर्चा होता ए नौटा छुआ थे कि बढ़े मोर कह कथा है जे नारी मान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दू शिक्षा एकमात्र विकल्प जो कि जनसंख्या को कंट्रोल कर मैडम कहते गोटे निर्दिष्ट कम्युनिटी कथा कहते ठीक अच्छे से तार मुख्य कारण हूँ लोक मान विशेष कर नारी मान शिक्षा अभाव अच्छी आम जब एजुकेशन को जब इंपोर्टेंस देवा एवं एम्प्लॉयमेंट तो ऑटोमेटिकली आज की सरकारी चाकरी तो छाड़ दिंतु कम से कम सरकार जो योजना गुड़ा अच्छी लोक पहुंचे प्रॉपर रिडिस्ट्रीब्यूशन हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक भाव में चलो लोक मैंने जब दि मीठा खावाक पाइबे शिक्षा जब प्रपरली हम जनसंख्या धीरे धीरे निश्चित भाव में कंट्रोल हम कंट्रोल को आसूची आज आज कल आप देखते शिक्षित लोक मैंने से मैं कौन बड़ पर चाहू ना आप कौन सहर के नियंतु कितु कथा हो 25% of the urban people they are controlling but 75% of the rural people they are multiplying 75% लोक ठेलु छंती आ 25% लोक रुकु छंती कोले आपन अनुमान करंतु कोले जीव मो कहबार कथा है जे सरकार माने हृदय भीतर करंतु हिपोक्रेटिक होंतु नाही त्रिस स्तरीय मो सबले कह जे नारी मान को पे तमे रिजर्वेशन कला 35 स्तरीय 50 स्तर रे व्हाई नॉट इन असेंबली आपन जेते बेले कथा होची लोकसभा किमा राजनैतिक दल मान रुचे प्रचार एजेंडा हे से प्रचार पाई एक स्वतंत्र भाव में एक स्ट्राटेजी प्लान कर स्ट्राटेजी प्लान करने एक प्रदर्शनी हुआ एक एक भल स्टेप्स नहीं जाप किसी समय परवर्त समय जानते जे ए स्टेप्स गुड़ी आम को विरोध करा परवर्ती समय रे ए स्टेप्स गुड़ी विरोध करा परे सुप्रीम कोर्ट को मध्य स्टेप्स जाकि पहुंची पारे एवं यहाँ को सेमाने विरोध करिबा परे जानी सुनी कि आकु बंद करा जाए पारे एवं सबू जानी सुनी कि भी केवल माइलेज नेवा पाई एभली करा जाउछे एवं परवर्ती समय रे आकु बंद कर दिया जाउछे एभली परिस्थिति कले कोन हेबो कारण आम जनसंख्या जे भली भाबरे बढ़ुची ताकु कंट्रोल करिबा पाई कि जदि सरकारी स्तर रे कोनोसी दृढ़ कार्यानुष्ठान बा किछि दृढ़ निष्पत्ति न निया जाए तबे ए जनसंख्या आम देशर स्थिति को आहुरी बिगाड़ अर्थनीति प्रभाव से जो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक कंजप्शन बढ़ी कंजप्शन बढ़ला मैंने इन्वेस्टर्स आज इन्वेस्ट करेंगे आपंकर कैपिटल फॉर्मेशन हम इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी तो आपको पॉपुलेशन कंट्रोल रो मुख्य जो कारण होची आपन को करिवार उद्देश्य होची जे अधिकांश गोटे हम देखु छ गोटे प्रोपोर्शनल गोटे पॉपुलेशन ग्रोथ हो नाही एवं अधिकांश समय जदि आपन को पॉपुलेशन गोटे सिस्टमैटिक ग्रोथ न होबो आपन को अधिकांश समय रे से मन कर जो धरंतु गोटे परिवार पांचटा पिला जन्म होला दिस से प्रॉपर अटेंशन दे पालानी हेल्थ केयर दे पालानी ताको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे पालेनी तांकर माने जो पौष्टिक खाद्य तांको दे पालेनी
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହବ, ସେ ପିଲା ଭଲ ଭାବରେ ତା ଗ୍ରୋଥ୍ ହବନି, ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖା ଯାଇପାରେ। ମ୍ୟାଡାମ ବା ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ସପୋର୍ଟ ନ ମିଳିଲେ କଣ ହବ, ତାଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ ନ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ହେବେ, ମୂର୍ଖ ହେଲେ ଯାଇକି ସାଧାରଣ ପଡ଼ିଛି ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ତ ଯଦି ଯଦି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ପିଲା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାପା ମା ଯେତିକି ଯୋଉଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳିଆ ମଣିଷ କରି ସମାଜରେ ଛିଡ଼ା କରିପାରିବେ, ଅଧିକ ପିଲା ହେଲେ ସେଭଳି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପପୁଲାର କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ଡିପ୍ଲୋରେବୁଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଦୟନୀୟ କଣ୍ଡିସନରେ ଯେମିତି ଚଳୁଥିଲେ ସେମିତି ହିଁ ଚଳୁଥିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରୁହନ୍ତି, ତ ସେଠି ଆହୁରି ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି, ଦେ ଇଣ୍ଡଲ୍ଜ ଇନ୍ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଦେ ଇଣ୍ଡଲ୍ଜ ଇନ୍ ଅଦର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଡ୍ରଗ୍ ପେଡଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦାଟ, ଏଇଠି କିଛି ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅପପୁଷ୍ଟି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ପୁଷ୍ଟିଜନକ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭାବ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ, ତା ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛେ ତେବେ ଆମେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦିଗରେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସରକାର ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ ତେବେ ସେ ପରିବାରରେ ତ ଦୁଇ ପିଲା ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଜନ୍ମ ନ ହେବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହେବେ ନାହିଁ। ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ 80 ଦଶକର ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି, ପପୁଲେସନ ପଲିସି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରାଇଟ୍ ଆନେଷ୍ଟ୍ରେ ତାକୁ ସମସ୍ତ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ସେତେବେଳେ କାନ୍ଥ ବାଡ ପୋଷ୍ଟର ଯାଇକି ସଚେତନ କରାଯାଉଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମିତି ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ୟାନେଲରେ ପଚାରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ବୁଝି ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କେତେ ପିକ୍ଚରାଲ ମେସେଜ ରହୁଥିଲା କାନ୍ଥରେ, ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ମୁଁ ଲିଙ୍କନ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଲିଙ୍କନ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ବା ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବି ଜାଣିଥିଲି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଏ ବାବଦରେ ଆମ ଟିଚର ମାନେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିଲା। ଏବେ କାହିଁ ସେ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ? ଏବେ ସେ ପ୍ରମୋସନକୁ କାହିଁକି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଉ ନାହିଁ? ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ ସୋସିଆଲାଇଜ୍ କରାଯାଉ ନାହିଁ ସେ ମେସେଜକୁ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ, ଏ ମେସେଜକୁ କଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡ ରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ କମ ତା ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଟେଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ବିଗତ ମାସ ହେଲା ରେଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ଏଇ ଲେଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ବଟିକା ଉପରେ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା କଣ୍ଡମ୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା, ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଯୋଉଟା କି କାନ୍ଥ ବାଡ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଯେମିତି ଆମେ କରୋନାର ଯେମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଛେ, କେମିତି ସାଧାରଣ ଭାବେ ସଚେତନ ହେବେ, କାନ୍ଥ ବାଡ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ସେହିଭଳି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଆମେ ଦୁଇ ଆମ ଦୁଇର ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ବନଉଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିୟମ, ଆମର ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯିଏ କି ଏଇଟା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଆଉ ଫୋକସ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଥ ଯୋଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସେଇ ପପୁଲେସନଟା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଏଇଟା କେବଳ ପପୁଲେସନ ବଢିଯାଉଛି, ୟୁଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲି ଯେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ୟୁଥ ଏଇଟା ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ହଉ କିନ୍ତୁ ତା ପାଠପଢା ସେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ଯିବ, ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟସ୍ତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍, ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ବୋଥ୍ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ, ତ ଏଇଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍, ଆମର ଯୋଉ ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ବି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ କନ୍ସିଭିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉଭୟ ସବୁ ଦିଗରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଯେମିତିକି ଆମେ କଥା ହେଲେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି
କିଛିଟା ମେଜୋରିଟି ଏରିଆ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରହିଯାଉଛି, ଯେଉଁ ମେଜୋରିଟି ଏରିଆ ଉପରେ ଯଦି ସରକାର ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତେ, ବା ଯଦି ସମାଜସେବୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଯଦି ସେଇ ଏରିଆ ଗୁଡିକ ଉପରେ ମେଜୋରିଟି ଏରିଆ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଇଲିଟ୍ରେସି ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରାଇବାଲ କଥାଟା ଯୋଉ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳନ ଅଧିକ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ କି ନେକ୍ସଟ ସେନ୍ସସ୍ ରେ ଗୋଟେ ଫରକ ଦେଖେଇବ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆହୁରି କେତେ ଦିଗ ରହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲିଟ୍ରେସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବା ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ। ଯେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତେ, ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରନ୍ତେ, ଉଚିତ ଯଦି ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି କିଭଳି ଭାବରେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ ସେ ବାବଦରେ ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିପାରନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଡକ୍ଟର ସୁସ୍ମିତା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଶେଷ କମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗର୍ଭଧାରଣର ଯେଉଁ ଏଜ୍ ରହିଛି ଆମର, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ଏଜ୍ ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ, ତାହା 18 ବର୍ଷରେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ 18 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଏଜ୍ଟି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ତାପରେ ବିବାହର ଏଜ୍ ଗୋଟିଏ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଇଛେ, ତାପରେ ବିବାହ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷ ପରେ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଦେଶମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବା ବିବାହର ଯାହା ବୟସ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଧିକ ରହୁଛି, କେଉଁଠି 21 ରହିଛି, କେଉଁଠି 20 ରହିଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଆମର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆମର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବୟସଟିକୁ 18 ବର୍ଷରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବୟସ ବା ବିବାହର ଯେଉଁ ବୟସ ରହିଛି 18 ବର୍ଷ, ତାକୁ ଯଦି ଟିକିଏ ବଢ଼ାଯାଆନ୍ତା, ଏଥିରେ କିଛି ଜନସଂଖ୍ୟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇପାରନ୍ତା? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୋଉ ମେଚୁରିଟି ବୟସ ଆମର 18 ଅଛି, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କୁ ଦେଖିକି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କୁ ଦେଖିକି ଆମର କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ତ ହଠାତ୍ ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ ମ୍ୟାଡମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଟିକୁ ନେଇପାରନ୍ତେ, ତେବେ ଜନସଂଖ୍ୟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇପାରନ୍ତା ହେଇପାରନ୍ତା। ତ ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ କାହିଁ ନ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଫିମେଲ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ବଢେଇବା, ଫିମେଲ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ ବେଶୀ କରିବା, ଫିମେଲ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ 30% ନା କଣ ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି ଚାରିଆଡେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କ ଫିମେଲ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବ ତା ହାତରେ ରହିବ ଏବଂ ଜେଣ୍ଡର ବାୟସ ଆମେ ଆମେ ବିଷୟରେ କଥା ଲାଗିବାକୁ ଆଜି ଟପିକରେ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଯେ ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଯାହା ଘରେ 4ଟା ଛୁଆ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର 2 ଝିଅ ଥିବ, ଯାହା ଘରେ 3ଟି ଛୁଆ ତା ଘରେ 3ଟି ଝିଅ ଥିବ, ତାପରେ ଯାଇ ସେମାନେ ପୁଅ ପାଇଁ ଡାକିଥିବେ। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଭାବିବାକୁ ଅଛି ଏବଂ ମା ଯେତେବେଳେ ଭାବିବ ଏବଂ ମା ପାଖରେ ପାୱାର ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଜିନିଷ କମିବ। ଏବଂ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ଲାଗିଯେ, ଥିମ୍ ହଉଛି ଏଇ ଆଜି ଡେଟ୍ର 2021ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ COVID-19 ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ଅନ୍ ଫର୍ଟିଲିଟି। ଯେମିତିକି ପ୍ରତି 14 ମାସ ଆମ ବିଶ୍ୱର ପପୁଲେସନ ବଢେ 100 ମିଲିୟନ, ତ ଦେଖାଯାଉ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପ୍ୟାନେଲ ବସିକି ଡିସ୍କସନ କରିବା କେତେ ବଢିଛି ଏବଂ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ର ଇଫେକ୍ଟ ଫର୍ଟିଲିଟି ଉପରେ କେତେ ପଡିଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଫର୍ଟିଲିଟି ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ନ ପଡୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, ଯେତେ ବି ଆମେ ପପୁଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଷୟରେ କଥା ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଶେଷ କମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ, ଯେ କେବଳ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସଚେତନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ ବା ଆମେ ଯେତେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ସେମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆୱାରନେସ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ କ'ଣ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ? ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କୁ ହିଁ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଜାଗାରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନଉନଥିଲେ, ସେଠିକି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଗଲେ, ବୁଝିଲେ, ସେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ହେଜିଟାନ୍ସ ଥିଲା ପୁଣି ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲେ। ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ କେମିତି ସଚେତନ ହେବେ? ସେମାନେ ତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ଯୋଉ ପାହାଡ ମାନେ ପାହାଡ କୋଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେମାନେ କୋଉ ମିଡିୟମ ଅଫ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମିଡିୟମ ଅଫ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ, ସେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଯେତିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା
जेतिकी मात्रा रे आमे लोकंकु बुझेबा जेतिकी जन सचेतनता सृष्टि करिबा लिटरेसी जेते सृष्टि करि परिबा आमे सेते एही दिगरे सफलता पाई पाई जिबा निश्चित भाबरे बहुत बहुत धन्यवाद देबा को चाहिबी डॉक्टर सुस्मिता दास आम सहित जोड़ी होइथिले लिंकन सुबुधी आम सहित रहिथिले सोशल एक्टिविस्ट अक्षय साहू आम सहित रहिथिले वरिष्ठ सांबादिक एवं तपन बारिक आम सहित रहिथिले अर्थनीति अध्यापक एवं आमे आलोचना करूथिले जे जनसंख्या को नेकी जे चिंता बढ़ुची ताकू आमे किभली नियंत्रण करि परिबा सरकारी स्तर रे सचेतनता आवश्यक लोक माने एटी देखिबा लोक माने मध्ये निजे बुझिबा आवश्यक अवेयरनेस करा जिबा विशेष भाव आवश्यकता रही है और सबुठारु उपरे रही लोक माखे लिटरेसी बा शिक्षा पहुँचवा आवश्यकता रही लोक माने शिक्षा को ही आदरिले ए सबु दिगरे से माने सचेतन हो पारे और जनसंख्या नियंत्रण दिगरे मध्ये से माने समस्ते भागीदारी हो पारे। बर्तमान समय हो जाए स्वतंत्र आलोचना को एट रखुचु। नमस्कार।